कसराव जनपद के ग्राम सुवा में ग्रामीणों ने बीते 6 माह में राशन नहीं मिलने की समस्या को लेकर मंगलवार को कलेक्टर को लिखित में शिकायत की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव के समूह से राशन देने के बजाय समिति से राशन दिए जाने की व्यवस्था की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है। पिछले 6 माह से राशन लेने आते हैं तो संचालक के द्वारा आगे से राशन नहीं आने की बात कहकर राशन नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों द्वारा राशन की मांग करने पर संचालक के द्वारा अभद्रता करते हुए गाली गलौज की जाती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वर्तमान में सरपंचों हमारे यहाँ करीब 6 महीने से राशन पानी अभी तक नहीं किसी को मिला। गरीबों को कई मतलब एक दो मरतबा मैं भी गया था उनको समझाई देने के लिए कि भाई इन गरीबों को राशन दीजिए, तो बोले कि राशन आगे से नहीं आ रहा है, सरकार की ओर से राशन नहीं आ रहा। पिछले अभी अगले गए लॉकडाउन का राशन भी अभी तक नहीं इन लोगों को मिला। और रहा सवाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो भी यहाँ पर कई किसी को आंगनबाड़ी भी नहीं चला रहे हैं, साल भर से वो बंद पड़ी है। और कोई गरीब लोग कहने जाते हैं बच्चे वाले तो उनको दादागिरी बताते हैं, बोले तुम्हारा ढोबरा कटवा देंगे हम, ठोस दबत दी जाती है गरीबों को। क्या मांग करते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि ये सहायता समूह को जो राशन पानी की दुकान जो इनको सुपरद किए तो इसको हटा के नमाज सोसाइटी के कर्मचारी के सुपरद की जाए, हम यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिश्रा राजाराम मिश्रा। क्या सरपंच हो? जी हाँ, हम ग्राम पंचायत सुरवा से आए सर। हमारे यहाँ समस्या ये है कि कोई हमारी सोसाइटी तिरगांव पंचायत में पड़ती थी तो जहाँ से हमें राशन वितरित होता था, तो हमें पिछले 1 वर्ष से हमारे को अलग कर दिया गया सुरवा पंचायत से, तिरगांव से सुरवा भेज दिया गया जिसे एक सोमो को सौंपा गया। तो सोमो के माध्यम से जो राशन वितरित हो रहा है करीबन 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर 6 महीने तक कंटिन्यू मिला, अभी 6 महीने से हम लोग इतने परेशान हैं। वहाँ पर जाते हैं तो बोले कि राशन तुम्हारा आगे से नहीं आ रहा। हमने इसकी जानकारी SDM साहब को भी दी थी और भी जगह 181 पे भी शिकायत की थी, कलेक्टर महोदय को भी दिया आवेदन, लेकिन इसका निराकरण नहीं हुआ है। हम चाहते हैं मेरे साथ में ये ग्रामवासी जो भी जितने भी सुरवा से आए हैं उनकी एक ही मांग है कि इस सोमो को हटाया जाए और वहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी को रखा जाए, जहाँ से पंचायत है वहीं से वितरित किया जाए ताकि समय समय पर हर व्यक्ति को राशन मिले। क्योंकि 5-5 किलोमीटर के गावड़े लगे हैं वहाँ पर, बूढ़े बुजुर्ग अपना काम काज छोड़ कर आते हैं और वो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। तो मैं सरकार से एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि भाई ऐसे जो काम के सीजन में लोग परेशान हो रहे हैं इनकी परेशानियों का समाधान हो। अच्छा, अभी तक राशन नहीं मिला 6 महीने से? 6 महीने से नहीं मिल रहा है और इनका अब मेरे पास में तो कोई प्रूफ नहीं है, पर लोगों के माध्यम से मैंने सुना है कि ये बेचते हैं, इकट्ठा बेच देते हैं। तो इनके पास में अभी ये BPL कूपन है, इसमें सब दर्शाया गया है कि हमें 6 महीने से करीबन 150 BPL कूपनधारी है जिन्हें 6 महीने से राशन नहीं प्राप्त हो रहा। तो हमने इसकी जानकारी कई जगह की है लेकिन इसका कोई हल नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश डोडवे, मैं रहने वाला किरगांव पंचायत तहसील कसराव जिला खरगोन मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।